तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि कल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के अंदर संपन्न हुई परंतु इस बैठक में कोई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई क्योंकि G7 और रशिया और चाइना के बीच में भयंकर मतभेद रहा इस बैठक के अंदर पर दोस्तों अब इस बैठक को लेकर अमेरिका की तरफ से पहला बयान निकल के सामने आया है जिसमे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से अमेरिका का पक्ष दुनिया के सामने रखा गया जिसमे सबसे पहले तो उन्होंने कहा की जी शिखर सम्मेलन भारत के अंदर हो रहा है इसके लिए हम भारत का पूरी तरीका से समर्थन करते हैं परंतु जी के विदेश मंत्रियों की बैठक में जो हुआ है उसका कारण सिर्फ रूस और और चीन ही दो देश थे और आज यह बैठक बिना किसी प्रेस विज्ञप्ति के समाप्त हुई है तो इसके पीछे कारण है रूस और चीन क्योंकि रूस और चीन लगातार इस बैठक के लास्ट प्रेस विज्ञप्ति के ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे और रूस और चीन ने तो भारत के जी के विदेश मंत्रियों की बैठक का समर्थन ही नहीं किया जिस के कारण यह जो बैठक थी वो बिना किसी कम्युनिक के ही समाप्त हो गई इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने विदेश मंत्री सरगई लाबरोप के साथ भी संक्षेप में बातचीत करी जिसमें मैंने सरगई लाभरोप से कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में और हमारे बीच क्या चल रहा है परंतु जो ब्लादिमिर पुतिन ने स्टार संधि को रद्द कर दिया है उसको एक बार फिर से अमेरिका रूस और अमेरिका के बीच में लागू कराना चाहता है ताकि परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया भर में शांति बनी रहे परंतु इस मुद्दे के ऊपर भी रूस और अमेरिका के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है इसके अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत की जी ट्वेंटी समिट का पूरी तरीका से समर्थन किया पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई का मुद्दा तो जी सेवन कंट्रीज की तरफ से भी उठाया गया था जिसके बाद में फिर रूस और चीन ने इस मुद्दे का कड़े से विरोध किया क्योंकि भारत भी चाहता था कि वार जैसी सिचुएशन की बातचीत इस बैठक के अंतर्गत ना हो और केवल अर्थव्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ा जाए इसके बारे में भारत बात करना चाहता था पर आप सभी को क्या लगता है और इस बैठक के इस प्रकार के समाप्त होने के पीछे अमेरिका वजह है या फिर रशिया कमेंट बॉक्स में जगह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातराम